वेलकम दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी स्टोर पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही खास चीज़, एक ऐसी खास चीज़ जिसके फ़ायदे इतने हैं कि गिनाते गिनाते शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। तो अगर छोटे तौर पर कहें तो ये जलने पर आपकी हड्डी के लिए, आपके दिल के लिए, मुँह के छालों के लिए और तो और आपके पेट में अनेक तरीके की परेशानियों के लिए काम में आने वाली एक दवा। एक ऐसा पेड़ जो आपके आसपास मौजूद है, आपने उसे सैकड़ों बार देखा भी होगा, इस पेड़ का नाम है अर्जुन। ये पेड़ कितना खास है आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि महाभारत में अर्जुन का नाम इस पेड़ की वजह से पड़ा। इसको गार्जियन ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। ये दिल के लिए लाजवाब है। ये ऐसे ऐसे रोगों को ठीक कर देता है जिसके लिए आमतौर पर हम लोग इतने परेशान रहते हैं कि हम तरह तरह से डॉक्टर बदलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्जुन की। तो जैसा मैंने बताया कि ये पेड़ आपके आसपास मौजूद है, ये पेड़ पूरे उत्तर भारत में इवन दक्षिण तक मौजूद है। ये पेड़ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल सभी जगह उपलब्ध है। तो अर्जुन का ये पेड़ काफ़ी लंबा होता है, इसकी हाइट तकरीबन 60 फीट तक जाती है। इसकी पत्तियाँ देखने में कुछ अमरूद की तरह होती हैं जो 3 से 4 इंच बड़ी होती हैं और ये सितंबर के महीने में फल देता है। और इसकी एक खास बात है, इसके फल में बीज नहीं होते, तो इसलिए इसके फल का ही प्रयोग किया जाता है। जो कच्चा होने पर तो हरा होता है लेकिन पकने के बाद ये लाल और भूरे रंग का हो जाता है। इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पेड़ का, वो है इस पेड़ की छाल, जो बाहर से देखने में सफ़ेद अंदर से गुलाबी रंग की होती है। और अगर इसे हम थोड़ा कोरेदते हैं तो इसमें एक जेल, एक लार की तरह एक पदार्थ निकलता है जिसका भी अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं विस्तार से अर्जुन के बारे में। जैसा मैंने बताया कि आपके दिल के लिए ये बहुत ही गुणकारी है। ऐसा इसलिए है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 34% तक होता है। इसके अलावा इसमें सोडियम भी पाया जाता है। इतना कीमती पेड़ होने की वजह से और भारतवर्ष में जैसे विविध संस्कृतियाँ हैं, तरह तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं, तो इसे अलग अलग जगह अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो सारे नाम हैं जो अलग अलग रीज़न में इसे पुकारा जाता है, जैसा आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस बारे में कि इस पेड़ का प्रयोग आपको करना कैसे है। विशेषकर इसकी छाल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहूँगा कि दिल के लिए ये बेहतरीन दवा है। तो जैसा आप जानते हैं कि हृदय पूरे बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अब अगर आपकी हृदय की गति असामान्य रहती है, अधिक रहती है, तो इसमें आप इसकी छाल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है, आप अर्जुन के पेड़ की छाल लेंगे 20 ग्राम, जिसको बारीक कूट लेंगे और बारीक कूटने के बाद आप उस पाउडर का सेवन 1 कप दूध के साथ करेंगे जो ज़्यादा गर्म ना हो। और आप उसको इस तरीके से 1 चम्मच दिन में 1 बार 1 हफ्ते तक लें, तो आप देखेंगे कि जो आपकी हृदय गति आमतौर पर काफ़ी तेज रहती है वो धीरे धीरे सामान्य होने लगेगी। इसको सेवन करने का एक और तरीका है, अगर आप चाहें तो जिस तरह से हम चाय बनाते हैं आप उस तरीके से भी इसका सेवन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत अधिक कुछ नहीं करना है। बस आप चाय पत्ती की जगह इसकी छाल का प्रयोग करें और अगर हो सके तो चीनी की जगह आप मिश्री का प्रयोग करें। तो जिस तरीके से आप एक रेगुलर चाय बनाते हैं, आप पानी में इसे उबालिए, इसमें छाल के साथ इसे उबालिए, उसमें दूध डालिए और हो सके तो मिश्री डालिए और इसे चाय की तरह पीजिए। अगर आपका रक्तचाप, आपका बीपी हाई रहता है तभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप 1 चम्मच जो पिसी हुई आपके पास छाल है उसे 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और उसे पूरी रात के लिए रख दीजिए ओवरनाइट। सुबह को आप इस पानी को छान लीजिए और उस पानी को पीजिए। इस तरीके से अगर आप इसका सेवन 5 से 7 दिन तक करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल होता है। और अगर आपको समस्या आपके बीपी कम रहने की है तब आपको इसी का प्रयोग कुछ दूसरे तरीके से करना है। आप सुबह उठकर 1 चम्मच ये छाल का पाउडर पानी से पिए और इसमें आपका जो लो बीपी है वो रिकवर करना शुरू हो जाएगा, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। हृदय के बाद अब हम बात करते हैं इसके अगले फायदे की। आपने देखा होगा जब कभी किसी एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में अगर कभी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसे प्लास्टर करते हैं और हड्डियों में गुड़ होता है, वो आपस में खुद ही जुड़ जाती है।
लेकिन उस रिकवरी को मजबूत करने के लिए और कम टाइम में पूरा करने के लिए भी अर्जुन की छाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस छाल का प्रयोग, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप काढ़ा बना के कर सकते हैं। आप इसको 2 चम्मच लीजिए, इसे 200 ml पानी में हल्का उबालिए, उबालने के बाद छान के ठंडा कीजिए और उस काढ़े का सेवन कीजिए। इससे आपकी हड्डी शीघ्र जुड़ेगी भी और वो मजबूत भी बनी रहेगी। हड्डी टूटने पर आपको इस काढ़े का प्रयोग दिन में 1 बार 15 दिनों तक करना है। इससे आपको रिकवरी में काफ़ी मदद मिलेगी। अर्जुन की छाल का अगला फायदा, यदि आपके कहीं घाव है, कोई जख्म है, तो आप इसके पाउडर का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप इसके पाउडर को, अगर जख्म आपका खुला है, तो आप इसके पाउडर को लेप बनाकर उस पर लगा सकते हैं, जो आपके जख्म को बहुत जल्दी भरेगा। और एक अच्छी बात और है कि जो जख्म का निशान है वो भी कम हो जाएगा। जो आपकी चोट है वो आपकी स्किन पर मिनिमम मार्क्स छोड़ेगी, कम से कम निशान छोड़ेगी। और यदि आप चाहते हैं कि वो जख्म का निशान बिल्कुल भी ना रहे, तो आप जख्म के भर जाने के बाद उस पर नियमित रूप से नारियल का तेल लगाएं, तो आप देखेंगे कि लगभग वो निशान बिल्कुल गायब हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब गर्मियों का समय आने वाला है, ऐसे समय में कुछ व्यक्तियों के पसीने से अत्यधिक दुर्गंध आती है। वो डिओड्रेंट लगाते हैं, तरह तरह की क्रीम का प्रयोग करते हैं, लेकिन तभी भी वो इस शरीर की दुर्गंध से निजात नहीं पा पाते। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय है जिसमें हमें अर्जुन के पत्तों का प्रयोग करना है। आप क्या करेंगे, आप अर्जुन के पत्ते लेंगे और जामुन के पत्ते लेंगे, और आप ध्यान रखेंगे कि ये पत्ते सूखे हुए हों। आप इन पत्तों को, सूखे हुए पत्तों को कूट लें, पीस लें और उसका एक लेप बना लें, एक उपटंग किस्म का बना लें, और उसे अपने ऊपर नहाने से पहले अच्छे से मलें। उसके बाद जब आप नहाएंगे तो आपके शरीर की जो वो पसीने की दुर्गंध है, जिसकी वजह से कई बार आप किसी से ठीक से बात नहीं कर पाते या लोग आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, तो आपको उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो इस लेप का प्रयोग आपको असल में कैसे करना है, आप इसे हफ्ते में 2 बार प्रयोग करें। आप लगातार 2 दिन कर सकते हैं, और इस तरीके से यदि आप 1 महीने तक, मतलब लगभग 7 से 8 बार 1 महीने में करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके वो पसीने की महक है, जो आपको परेशान करती है, वो लगभग पूरी तरह से गायब हो गई है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अर्जुन का पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, इसके इतने उपयोग हैं कि शायद आप लोगों में से हर कोई ना कोई इसका कुछ ना कुछ उपयोग ज़रूर करेगा। तो अगला जो फ़ायदा है वो एक ऐसी बीमारी को लेकर है जो कहने के लिए इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रॉब्लम से सफ़र करता है या फिर जो इस परेशानी को झेलता है, वो जानता है कि ये कितनी बड़ी है। और ये बीमारी है मुँह के छाले। मुँह के छाले मुँह के अंदर होने वाले अल्सर हैं, जिसमें आप कई बार कुछ भी खा पी नहीं सकते, और तो और आपको पानी भी लगता है। इस छाल का जो चूर्ण है, आप उसे नारियल के तेल के साथ मिलाएं, और उस वो जो आप नारियल के तेल के साथ मिलाने के बाद जो आपके पास पेस्ट होगा, आप उसे मुंह में अंदर की तरफ अपने छालों पे अप्लाई करें। आप देखेंगे केवल 2 या 3 बार लगाने के बाद ही आपके वो छाले ख़त्म हो जाएंगे। और इसको आपको सटकना नहीं है, निगलना नहीं है, आपको इसको मुंह में तकरीबन 5 मिनट रखने के बाद जो आपके मुँह में लार भी आती है उस सबको थूक देना है, और आप कुल्ला कर लेंगे और देखेंगे आप कि शायद 2 ही बार में आपके मुंह के छाले काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। अभी तक ये समस्या महिलाओं में ज़्यादा थी, लेकिन अब पुरुषों में भी होने लगी, और वह है झाइयाँ। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, आपको बस अपने पास अर्जुन के छाल का पाउडर रखना है। वो कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में आपके काम आएगा, ये आपको कभी नहीं पता लगेगा, अचानक से कुछ भी। तो ये जो अगला फ़ायदा झाइयों का है, इसमें आप इस पाउडर को शहद में मिलाएं और एक पेस्ट बनाएं, और उसको अपनी झाइयों की जगह पर अप्लाई करें, उसे लगाएं, और 15 मिनट बाद उसे धो दें। आप देखेंगे धीरे धीरे वो झाइयाँ डल होंगी, हल्की पड़ जाएंगी, और धीरे धीरे आपका चेहरा पहले के समान चमकदार हो जाएगा। इसका एक और फ़ायदा है, और वो है पीलिया में। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप 1/2 चम्मच अर्जुन की छाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और उसको थोड़ा सा आपस में मिला लेंगे। उसके बाद वो 1/2 चम्मच का सेवन आपको दिन में 1 बार करना है। हफ्ते से लेकर आप 10 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये आपके पीलिया को कंट्रोल करने में और ख़त्म करने में अत्यधिक सहायक है। दोस्तों, ये तो वो कुछ फ़ायदे थे जो एक सरसरी तौर पर, एक प्रारंभिक तौर पर मैंने आपको बताए। हालांकि दिल
आपको हृदय को होने वाले फायदे इसमें असीमित हैं। यहाँ तक कि आपकी अगर शिराएं संकुचित हैं, हृदय में सूजन है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य तरीके की बीमारियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जलने पर, कुष्ठ रोग में, टीबी में और इसके अलावा अन्य कई बीमारियों में होता है। अगर मैं आपको एक इसके बारे में आइडिया देना चाहूँ तो 70 से ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें आप इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अर्जुन की छाल को लेकर एक और वीडियो लेकर आएँ जिसमें हम और बीमारियों को भी कवर करें, या आपको भी अगर कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जो आप इसके संबंध में पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट कीजिए। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।